जो लोग योगी को समझ रहे थे फ्लावर, योगी ने बता दिया वो है असली फायर। प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए उठा लिया सबसे बड़ा कदम, अगले 6 महीने में बदल जाएगी प्रदेश की तस्वीर। पूरब से पश्चिम चारों दिशाओं में बिछने वाला है ऐसा जाल, गाड़ियां भरेंगी रफ्तार। योगी ने दे डाला अल्टीमेटम, अब 2 गुनी रफ्तार से होगा काम। एक साथ 3 बड़े एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए तैयार होंगे 4 लिंक एक्सप्रेसवे। दिसंबर तक तैयार होगा गंगा एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, बायोप्लास्टिक पार्क के काम में तेजी के आदेश। योगी सिर्फ कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, अपराधियों को मिट्टी में मिलाने के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि यूपी को विकास की पटरी पर दौड़ाने के लिए भी जाने जाते हैं। जब से योगी ने यूपी की कमान संभाली तब से प्रदेश की छवि बदल डाली और अब यूपी की पहचान एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में होती है। यहाँ आए दिन एक्सप्रेसवे का ऐसा जाल बिछाया जा रहा है जिससे पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण यूपी के किसी भी कोने में जाना आसान हो जाएगा और गाड़ियां सड़कों पर रफ्तार से बात कर सकेंगी। बीते कुछ दिनों में योगी थोड़ा शांत क्या हुए, विरोधी उन्हें हल्के में लेने लगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि शेर जब शांत होता है तो वो और ज्यादा खूंखार हो जाता है। अब योगी ने एक बार फिर अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर कुछ ऐसा ऐलान कर दिया जिससे यूपी में विकास को गति मिलने वाली है और करोड़ों लोगों की जिंदगी आसान होने वाली है। दरअसल पश्चिमी से पूर्वांचल तक योगी सरकार ने बड़ी तैयारी की। लखनऊ, जेवर, फर्रुखाबाद और चित्रकूट में नए लिंक एक्सप्रेसवे की सौगात मिलेगी। यूपी में पश्चिम, बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल तक में बने बड़े एक्सप्रेसवेज की कनेक्टिविटी और बेहतर करने के लिए 4 नए लिंक एक्सप्रेसवे बनेंगे। इनको लखनऊ, जेवर, फर्रुखाबाद और चित्रकूट में बनाया जाएगा। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है, लेकिन अब सीएम योगी ने यूपीडा के अधिकारियों को इन 3 लिंक एक्सप्रेसवे की प्राइमरी स्टडी रिपोर्ट जल्द तैयार करने का आदेश दिया। प्रदेश में मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। अब इसे नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए गंगा एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट तक लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। गंगा एक्सप्रेसवे को आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए वाया फर्रुखाबाद भी एक लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसी तरह आगरा एक्सप्रेसवे से निकलकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ने के लिए लखनऊ शहर के भीतर से होकर जाना पड़ता है। इसमें समय भी अधिक लगता है और जाम की समस्या भी बढ़ती है। सीएम ने पूर्वांचल और आगरा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए भी लिंक एक्सप्रेसवे बनाने को कहा। तो वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट को जोड़ने के लिए भी चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए काम शुरू किया जा चुका है। योगी ने कहा कि नए लिंक एक्सप्रेसवे प्रदेश की तरक्की की रफ्तार और बढ़ाने के काम आएंगे। योगी ने कहा कि मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे को हर हाल में दिसंबर तक पूरा किया जाए जिससे प्रयागराज कुंभ 2025 में देश दुनिया के श्रद्धालु गंगा एक्सप्रेसवे पर यात्रा का लाभ उठा सके। तो वहीं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के भी शुरू हो जाने से संत कबीर नगर, आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर की कनेक्टिविटी और शानदार होगी। इसका काम भी समय से पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस को चित्रकूट से जोड़ने के लिए कार्रवाई तेज की जाए, इसके लिए बजट भी दिया जा चुका है। ये बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा। सीएम ने डिफेंस कॉरिडोर की भी डेवलपमेंट रिपोर्ट जानी। उन्होंने कहा कि यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल में देश दुनिया की बड़ी रक्षा उत्पाद निर्माता कंपनियां निवेश कर रही हैं। अब तक 24,000 करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है। लखनऊ नोड में ब्रह्मोस एरोस्पेस एरोलॉय टेक्नोलॉजी, झांसी नोड में भारत डायनामिक्स लिमिटेड, कानपुर नोड में अडानी डिफेंस सिस्टम, अलीगढ़ में एमीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स और एंकर रिसर्च लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियां अपनी इकाइयां लगा रही हैं। जो भी नए प्रस्ताव आए उन पर तत्काल फैसला हो। साथ ही खीरी में बनने वाले बायोप्लास्टिक पार्क के लिए जमीन खरीद की प्रक्रिया को तेज किया जाए। ये योगी का विकास का मॉडल ही है आज जो पूरे देश में उनके नाम का डंका बज रहा है। योगी सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए नहीं बल्कि विकास पुरुष के लिए भी जाने जाते हैं।